जी यहाँ पे द मुंबई अचीवर्स अवार्ड, मतलब इन लोगों ने नॉमिनेट किया और मतलब अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेटेड, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अवार्ड लेके और सम्मान लेके किसको अच्छा नहीं लगता है। अगर आदमी मेहनत से कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो और फिर धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे और लोग उसको जान रहे हों तो अंदर से बड़ा खुशी होता है, हमको होता है, प्लस हमारे माँ पापा को ज़्यादा होता है। तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है भाई इस शाम का हिस्सा बन के, जहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार और सितारे आएंगे, उसमें एक हम भी हैं, तो देखते हैं। मुंबई तक पहुँचने के लिए कितना समय करना पड़ा आपको? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे मुंबई तक पहुँचने के लिए, हम जो चीज़ करना चाहते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, जरूरी नहीं वो मुंबई तक पहुँच के ही हो, कहीं भी कहीं से भी हो सकता है। जैसे हम अच्छा गाना बनाना चाहते थे, लोगों तक पहुंचना चाहते थे, ये चाहते थे कि लोग हमको सुने समझें, लोग ये जाने कि एक लड़का है जो ये चीज़ें करता है, गाने कंपोज कर सकता है, गा सकता है। तो हम ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते थे बड़े लेवल पे। तो बिग बॉस के ज़रिए, चूँकि इससे पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज में हम गाए थे, लेकिन उस तरीके का जो वासेपुर में उस तरीके का एक्सपोजर नहीं मिल पाया था हमको। तो अब जब बिग बॉस में हम आए तो उसके बाद लोगों ने जाना पहचाना समझा कि एक दीपक नाम का एक लड़का है जो बिहार से निकला है ऐसे ऐसे, और अपने गानों की पोटली लेके आया और बिग बॉस में सारे गाने बेच दिया उसने। बिग बॉस का कितना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको? बिग बॉस का भाई, बिग बॉस सबसे बड़ा रियलिटी शो है और साक्षात सलमान खान साहब का शो है वो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा शो है। और सलमान खान मतलब देखिए, एक होता है चेड़ी बाजी करना है कि सलमान खान है तो लोग उनको मक्खन मार रहा है कि अरे सर हम तो आपके बहुत, वो बात नहीं था, हम 8वें 9वें से सलमान सर के फैन रहे हैं और किताबों, हम बार बार बोलते हैं ये चीज़ की कि हमारे किताबों का जिल्द जो होता था वो सलमान खान सर का पोस्टर हुआ करता था। और मतलब सीधा वहाँ से निकल के और सलमान सर को इंस्टा पर खूब मैसेज करते थे और सीधे सलमान सर के बगल में खड़ा होना रोंगटा खड़ा हो जाने वाला बात था वो, और बहुत मतलब एक अलग अनुभूति थी, एक अलग अनुभव था। बिना माँ पापा के आशीर्वाद के और भगवान की दया के ये सब नहीं हो सकता था। तो बहुत बड़ा मिला बिग बॉस, मतलब ब्लू टिक लग जाना भाई, अब उससे बड़ा क्या होता है। मक्खनबाजी कौन करता था? हाँ, मक्खनबाजी कौन करता था? मक्खनबाजी नहीं, बिग बॉस के अंदर हाँ। क्या बिग बॉस खत्म हो गया भाई? अपडेट रहिए। बहुत गजब था भाई ट्रेलर, हम देखे और कमेंट भी किए हैं। सलमान खान सर है वो कुछ भी करेंगे तो एकदम लाजवाब ही होगा, उनके मतलब उनका इतना ये है, फैन फॉलोइंग है ना, और हम जैसे उनके लाखों और करोड़ों भक्त हैं, तो मतलब उनके कला के जो दीवाने हैं ना वो पूरे देश भर में हैं, तो वो जो भी करेंगे ना, और वो एकदम गाना भाई साहब का रैम कम है क्या? नहीं, सिचुएशन पे गाना इन्होंने बोला कि बनाने के लिए, तो कम से कम 5 मिनट तो सोचेंगे ना बस। हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ आए हैं लेने तो सबका प्यार, हम यहाँ आए हैं लेने जी सबका प्यार, ये साथ बना रहे ओ, ये साथ बना रहे, तेरा जज्बात बना रहे और ये चलता रहे ओ, और यूं चलता रहे मेरा और सबका परिवार। क्या कुंडली भाग्य को मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं भाई। कोई लकी नंबर था उनके लिए? नहीं, लकी नंबर नहीं है, मतलब
ऐसे कुछ है नहीं कि नंबर हम ये दिन देख के या उस तरीके का मतलब स्ट्रेटजी नहीं है कि उठेंगे भी तो कितने बजे उठें, वो दिन देख के उठेंगे कि आज जाएंगे तो बड़ा बढ़िया मिलेगा खाना खाने को जहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन हमको अपने धर्म पे और मतलब उन चीज़ों पे, दैविक शक्तियों पे या उस पर बहुत भरोसा है और होना भी चाहिए इंसान को। राशि, अब बहुत पहले एक पंडित जी आए थे, वो बोल के गया कि भाई तुम्हारा कुंभ राशि है, कुंभ राशि है बोल के गए थे। तो हमारा क्या है कि एक दो राशि में हम कंफ्यूज हैं, तो जिसमें हम कुछ उस दिन का बढ़िया लगता है वही मान के चलते हैं। बिल्कुल मानते हैं। कुंडली अभी शादी वादी वाला संयोग बना नहीं है तो कुंडली नहीं दिखाए जी।